जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्त में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी के चेयरमैन सरफराज खान ने अवाम से ये अपील की है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घर के करीबी मस्जिदों में अदा करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूँ। आप तमाम को, आलम इस्लाम को मेरी जानिब से और मेरी कमेटी गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से एडवांस में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और साथ ही साथ रमजान के जो मुसलमान रमजान में जो दुआएं किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो दुआएं रायगा नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह ताला वो दुआएं यकीनन कबूल होंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में, और इंशाअल्लाह ताला हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान से कोरोना वायरस COVID-19 की ये जो खतरनाक वबा है इंशाअल्लाह ताला उसका खातिमा यकीनी है, यकीनन खातिमा इसका यकीनन हो जाएगा। और दूसरा मसला, मैं हुकूमत तेलंगाना को दिल की गहराइयों से हमारी कमेटी गुलाम अली मुस्तफा कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने कोरोना वायरस के इस खतरनाक दौर में आपने COVID-19 को कंट्रोल करने में जिद्दोजहद बहुत ज्यादा किया है हुकूमत तेलंगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तेलंगाना में 6,000-8,000 पहले कोविड पेशेंट थे, उसके बाद कम होते 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 अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 पे आ चुके हैं। और मैं हुकूमत तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर KCR साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने जो है COVID-19 के ये वायरस को कंट्रोल करने में बहुत जिद्दोजहद की। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आज 68,000 पेशेंट्स महाराष्ट्र में हैं और दिल्ली में हैं और 36,000 पेशेंट्स जो है कर्नाटक में हैं। तो मैं ये लोग भी हमारे जो है बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जो हमारे भाई हैं हिंदुस्तानिया हैं, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि ये COVID-19 से सबको जो है अल्लाह जो है महफूज रखे, अल्लाह तो है अल्लाह ताला जो है इन सबको जो है अल्लाह ताला सेहतमंद कर दे। जो भी लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब कर दे और जल्द से जल्द उनके अपने अपने मुकामात अपने घरों को उनको जल्द से जल्द पहुंचा दे। और तीसरा मसला, हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, मैं सख्ती के साथ बोलना चाहता हूं कि स्ट्रिक्टली ये प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। COVID-19 की बहुत बड़ी भयानक वबा फैली है और इसको जो है कोई इजी मत लीजिए आप, क्योंकि अगर आप एक इससे मुतासिर होते हैं तो घर का घर मुतासिर हो रहा है। और यकीनन ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है। मैं ये चाहता हूं कि अपन पहले प्रिकॉशंस लेके अपन जो है अपना यानी कि एहतियाती तदाबीर अगर लेंगे हम तो जो है इससे इंशाअल्लाह ताला यकीनन कोविड का खात्मा होगा। और ईद की नमाज का जो मसला है, महमूद अली साहब जो ऑनरेबल हरदिल अजीज होम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने ऐलान किया है कि आप ईद की नमाज ईदगाहों में नहीं हो रही है। मेरी गुजारिश यह है आपके कि आपके घर के करीबी मसाजिद में नमाज अदा करें और जहां तक हो सका 60 साल के ऊपर के लोग तो मस्जिद को भी मत जाइए, आप घरों में जो है अपनी ईद की नमाज अदा करिए और गिड़गिड़ा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ये हमको इस भयानक वबा से निजात पाए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के जो है सियासत के शहनशाह नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायद हैं और रहबर हैं हमारे, उनको उनका जो अनाउंसमेंट हुआ उसको भी हम तमाम फॉलो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत देखेगी और हिंदुस्तान देखेगा कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में COVID-19 के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद खुले थे
और उसके बावजूद भी जो है हम प्रिकॉशंस लेते हुए रमजान में तरावी की नमाज पढ़े और तमाम 5 टाइम के नमाजा मसाजिद में हो रहे थे। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेहद शुक्रगुजार, थैंकफुल है हम गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से, और महमूद अली साहब का भी थैंकफुल है। अब यह बात आपको वाजह तौर पर मैं कह रहा हूं कि आप जो है मसाजिद को मत जाइए। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं और छोटे बच्चे तो 10 साल के नीचे के हैं, वो लोग बिल्कुल जो है ईद की नमाज को मसाजिद को भी मत जाइए, घरों में अदा कीजिए। और जो भी लोग मसाजिद को भी अगर जाना चाह रहे हैं तो उन लोगों जो है बगलगीर मत करिए, आप गले मत मिलिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, यही मेरा एक छोटा सा पैगाम है। बहुत बहुत फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।